आईपीएल 2023 के 97वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात को 27 रनों से हरा दिया है। गुजरात के सामने जीत के लिए 219 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों के सामने गुजरात 20 ओवरों में ही 8 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना सकी। गुजरात की तरफ से राशिद खान ने सर्वाधिक 32 गेंदों पर 79 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 10 छक्के लगाए। हालांकि राशिद के अलावा डेविड मिलर ने 41 रनों की शानदार पारी खेली। मुंबई की टीम की तरफ से आकाश माधवल ने 3 और पीयूष चावला के अलावा कार्तिकेय ने 2-2 विकेट झटके। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव के 49 गेंदों पर 103 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पे 218 रन बना लिए थे। हालांकि 219 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ही ओवर में उसने वृद्धिमान शाह का विकेट गंवा दिया। शाह ने 2 रन बनाकर आकाश माधवाल की गेंद पर LBW आउट हुए। हालांकि अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने 4 रन बनाकर बहन रॉफ की गेंद पर ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए थे। बताना चाहूंगा कि चौथे ओवर में इन फॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल भी 6 रन बनाकर चलते बने और उन्हें आकाश माधवाल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। पावर प्ले में गुजरात को एक और झटका लगा जब विजय शंकर ने 14 गेंद पर 29 रनों की पारी खेलकर पीयूष चावला का शिकार बने। पावर प्ले में ही गुजरात टाइटंस को एक और बड़ा झटका लगा जब विजय शंकर 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर पीयूष चावला के शिकार बने। पावर प्ले में गुजरात टाइटंस को एक और बड़ा झटका लगा जब विजय शंकर ने 14 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर पीयूष चावला का शिकार बने। 55 रन पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रही गुजरात टाइटंस को मिलर और ने कुछ हद तक वापसी कराई। हालांकि दोनों ने 6 विकेट के लिए 45 रन जोड़े, लेकिन डेविड मिलर ने 26 गेंदों पर 41 रन बनाकर माधवाल का शिकार बने। अगले ही ओवर में चावला ने तेवतिया को भी आउट कर गुजरात की आखिरी उम्मीद भी तोड़ डाली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बहुत ही शानदार रही और कप्तान रोहित शर्मा पुराने रंग में नजर आए और उन्होंने कुछ बेहतरीन पोल शॉट खेले। ईशान के साथ मिलकर उन्होंने पहले विकेट के लिए शानदार 37 गेंदों पर 61 रन जोड़ डाले। हालांकि राशिद खान ने 29 रन के निजी स्कोर पर उन्हें तेवतिया के हाथों कैच कराया और इसी ओवर में राशिद खान ने ईशान किशन को भी आउट किया। किशन ने 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि तीसरे विकेट के लिए निहाल वडेरा और सूर्य कुमार यादव ने 22 रन जोड़े, लेकिन निहाल 15 बनाकर राशिद का ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। चौथे विकेट के लिए विष्णु विनोद और सूर्य कुमार यादव के बीच शानदार 65 रनों की सरदारी हुई, लेकिन विनोद 20 गेंदों पर 30 रन बनाकर मोहित शर्मा की गेंद पर आउट हुए और सूर्य कुमार यादव ने अपने IPL कैरियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 49 गेंदों पर नबाद 103 रनों की पारी खेली और सूर्य ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर अपना शतक भी पूरा किया। बताना चाहूंगा कि पिछले सीजन से लेकर इस सीजन में दोनों टीमों ने केवल 2 बार भिड़ी है और एक बार बाजी गुजरात टाइटंस के हाथ लगी है तो एक बार मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने गुजरात को 5 रनों से हराया था, जबकि इस सीजन उसे 55 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी थी।